आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए और सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। ये भगवान नाम संकीर्तन ही जीवन का आधार है और ये आधार ही भव सागर से पार करने का द्वार है। भव सागर से जीव आत्मा तब पार होता है जब राम नाम का आधार उसके जीवन में आ जाता है। आज सुखदेव जी महाराज के जीवन में संसार से कोई वैर नहीं है, संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। माया से मुक्त जिनका जीवन है, माया से मुक्त जिनका क्रियाकलाप है, आज ऐसे पूज्य पाद श्री सुखदेव भगवान परम वीतरागी जो संपूर्ण संसारिक विषयों से मुक्त होकर संसार को ये भगवत रूपी भागवत का जो रसपान करा रहे हैं, ये हमारे जीवन के बड़े भाग्य हैं जो ऐसे विराट संत के मुखारविंद से ये पवित्र ज्ञान की गंगा का जो प्रागट्य हुआ, उस प्रागट्य से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। ऐसे ये उद्घोष है, ऐसे ये भाव है, ऐसे परम वीतरागी महा प्रतापी श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से इस भगवत चर्चा को श्री सुखदेव भगवान श्रवण करते हैं और कहा परीक्षित, सब संबंधों में रहना, परिवार में रहना और परिवार में रह करके संसार में तुमको सब बंधनों का निर्वाहन करना है, कर्तव्य का पालन करना है। पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन करो, पत्नी के प्रति जो दायित्व है उनका पालन करो और पुत्रों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास करो, लेकिन इनके लालन पालन में धर्म से विमुख होकर धन का संचय कभी मत करना, दुराचरण कभी मत करना। अगर उस धन से तुम संतान का विकास करोगे तो वो संतान सुख नहीं, आपको अनाथ आश्रम देगी, इस बात में कोई शक नहीं है। पाप से कमाया हुआ धन अपने पिता को अनाथ आश्रम का मुक्त खा सकता है, मोक्ष का नहीं, क्योंकि ये पाप का धन है और पाप का धन सतवृत्तियां नहीं देता, दुर्वृत्तियां देता है और वो दुर्वृत्तियां ही जीवन के साथ दुराघात करके उसको पाप का मूल दिखा देती है। हे परीक्षित, तुम इतना ध्यान रखना, अपने जीवन का कल्याण अगर तुम्हें करना है तो संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं का लालन पालन करना। आज इसी भाव के तहत हमारे बीच जो पुनीज भैया आए हैं, इन्होंने ऐसे कई आयोजन हमारे माध्यम से कराए हैं और आज उनके माध्यम से उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुए हैं, तो आपने आगामी विगत वर्ष एक कथा हरिद्वार की पवित्र भूमि पर कराने का निश्चय किया है, ऐसा साधुवाद उनके हृदय में भी ये भगवत बीज जो अंकुरित हुआ, ऐसी वृत्तियां आज इनके निमित्त लखनऊ में कम से कम इनके यहाँ कई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन आज नीचे बैठकर भगवान के चरणों में अनुराग लगाए हुए हैं। संसार के कामों को छोड़कर ये 5 दिन के लिए नर्मदा के पवित्र पावन तट पर इस सत्संग के आयोजन में सम्मिलित हुए, ये भगवत भक्ति का बीज है। महाराज परीक्षित ने जिस तरह जिस पवित्रता के साथ इस कथा को श्रवण किया है, आज उसी भाव को लेकर ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहा परीक्षित, तू ध्यान रखना, ये जीवन में सब संबंधों का निर्वाहन करना, लेकिन आशा किसी से मत करना, पत्नी से भी तू आशा मत करना और पुत्र से भी आशा नहीं, क्योंकि आशा ही दुख देती है। भागवत के द्वादश स्कंद में कहा है, आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। जहां निराशा होती है ना, वहां तो आशा का दीप जलाने वाले संसार में ऐसे कई लोग हैं जो धर्म की ध्वजा को चैतन्य कर देते हैं, लेकिन जिससे आशा होगी ना वही दुख देता है, दुख कोई और नहीं। संसार के दुख से तो लोग लड़ लेते हैं जनाब, अपनों के दुखों की पीड़ा जब हृदय में आती है ना तो जीवन बिगड़ जाता है। और अपनों के दुख हमें कब दिखते हैं, जब उनसे मोह का संबंध होता है, परमात्मा का लोभ का संबंध होता है तो अपनों के दुख देखते हैं, और जब अपनों के प्रति सिर्फ निर्वाहन का संबंध होता है
और प्रेम परमात्मा से होता है तो किसी के दुख नहीं मिलते, सिर्फ एक ही सुख मिलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये प्रेम रूपी धन जब जीवन में आ जाता है, भक्ति रूपी धन आ जाता है, तो जीवन में सच्चा सुख आ जाता है। इसीलिए कहा है संसार से दुखों की मुक्ति अगर आपको पाना है तो ध्यान रखना, संसार का धन मत कमाना, अगर कमाना है तो राम नाम का धन कमाना।